रिकॉर्ड ओके सेक्शन बी लाइक रोमांटिक्स एक्सप्लेन जैसे कि दूसरे रोमांटिक पोइट्स हैं उन्हीं की तरह कीट्स जो है वो भी नेचर को बहुत ज़्यादा पसंद करता है तो एक्सप्लेन करें ये करता तो है पहली बात ही है इसका जो है हम कंपेरेटिव uh, ड्रा करेंगे वर्ड वर्ड के साथ वर्ड वर्स भी जो लवर ऑफ नेचर है और कीट्स भी बट वर्ड्स वर्स हैं वो, है, वो वर्शिपर ऑफ नेचर है वो नेचर को वर्शिप करता है ठीक तो है कीट जो हैं वो नेचुरल ऑब्जेक्ट्स में बहुत सी सिमिलैरिटीज सिमिलरिटीज हैं वो ढूंढता है जो कि रियल लाइफ से मुताब कर सकते हैं तो ये एक डिफरेंस है वर्ड्स जो है वो नेचर को एज ए दे होल देखता है और कीट जो है नेचर के अक्सर जो है ऑब्जेक्ट्स जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनको पिक करता है और उसके मुताबिक जो है वो उनको चुनता है उन, बात करता है वर्ड वर्स के नज़दीक होल नेचर जो हैं वो खूबसूरत है किड्स के नज़दीक ऐसा नहीं है उसका ये ख्याल है वो जो है उस जैसे नेचर की जो अच्छी और खूबसूरत चीज़ें या दूसरों से जो बेहतर हैं उनको वो पिक कर लेते हैं जैसे सीज़न है चार सीज़न है उसने आटम को पिक किया और उसी से बातें करना शुरू कर दी और तीन सीज़न जो हैं उनको एक तरफ कर दिया अब ये जो है रोमेंटिक हम देखते हैं ये बात आप देर में रखेगा आपके क्वेश्चन जो हम ये जो एक्सप्लेन करने लगे हैं नेचर इन ऑल फॉर्म्स बिकेम देश फॉर पोइटरी पोइटरी के लिए इसका अब एक बुनियादी किरदार है नेचुरल ऑब्जेक्ट्स का नेचर कुदरती जो है नेचर का फॉर मोस्ट ऑफ द पोइट्स विलियम बर्ड वर्स पी बी शैले शैलह भी एक पोट था एंड जॉन कीड्स इन द रोमेंटिकरा ये इस रोमेंट जब ये रोमांटिक पोट्री लिखी जा रही थी यानी नेचर लवर जो थे जब नेचर के बारे में बात की गई थी तो ये वाले जो है पी बी शैले जॉन कीट्स विलियम ये जो है नुमाया नाम है शैले जो मेरे ख्याल में ये तो ज़्यादातर समुद्रों के बारे में बात करता था एनी वे इन फैक्ट दरअसल नेचर इज़ एन ओपन बुक इन वेरियस मैनिफेस्टेश नेचर हमारे सामने खुली किताब की पढ़ा पढ़ी की कि तरह पढ़ी हुई है मैनी डिटेस्टेशन इजहार के तौर पर एंड फॉर्म्स और शक्लों में यानी नेचर में हमारे नेचर हमारे सामने मुख्तलि शक्लों में हमारे सामने पड़ी हुई है और यानी दिख रही है इजहार है मुख्य तरह से हमारे सामने मुख्तु शक्लों में डेट है वर्ल्ड यानी ये जो नेचर जो हैं जिसकी मौजूदगी है ये मुख्तलिफ़ शायर हैं इससे बहुत ज़्यादा खुशी हासिल करते रहे हैं खास तो शायद सारे करते रहे हैं लेकिन पोइट्स ने इनको मैंशन ज़्यादा किया है दी ओनली डिफरेंस लाइज अमंगस दैम इज वेरी मीनीूट हम ये तीन पोइट्स हैं इनके दरमियान जो डिफरेंस जो है वो बहुत यानी मीनीूट है एक तो मीनीूट होता है डिटेल्स वगैरह डिटेल में है यहाँ पे मेरे ख्याल में बहुत माइनर डिफरेंस है थोड़ा सा है यानी बहुत थोड़ी क्वांटिटी में किदार में है इट इज लुक एट इट इस तरह से ये है वो तरीका जिस तरह से वो नेचर को अब देखते हैं एस टी कॉलेज ये शायर का नाम है उसका क्या ख्याल है वो क्या ख्याल आते हैं नेचर के बारे में कॉलेज इन मैन अलॉन्ग विद नेचर वो आदमी को पेश करता है नेचर के साथ साथ यानी नेचर और आदमी दोनों को पेश करता है टी एस एलियट ये भी एक पोइट था अमेरिकन पोइट था एंड रॉबर्ट फ्रॉस्ट ये भी एक पोइट uh, था uh, जो नेचर के बारे में बात करता है आर मोर कंसर्न टू एड्स वाइल्डनेस वो इसकी वसूत को जो है वो ज़्यादा पेश करते हैं यानी ये बहुत वसी है और वाइल्डर हैंटनेस सॉरी टी एस सी एलियंट और रबर फ्रोज ने इसकी वीटनेस वीटनेस ऐसी जो खौफनाक जो शक्ल है नेचर की उसको पेश करते हैं वीटनेस um, अनप्लेजेंट जी हैं इसको लिखता हूँ अजीब पन ठीक है तो so, यहाँ पे हैं, जो है जो टीय सीलियट है और रबर फ्रॉस्ट है वो इसकी अजीब वरीब जो हैं सूरत हाल को जो है उसको पेश करते हैं यानी देर इज नॉट मच ऑफ लव ट नेचर देर इज वन श्योर फैक्टर दैट इट अस टू मोल्ड आवर इनसेलिटी एक बात हो तय है कि नेचर जो है वो हमारी शख्सियत पर गहरे असर रखती है इनर कॉन्शियस हमारे ज़मीर पर हमारे फीलिंग्स पर ये जो है हमारे मूड के डेवलप होने पर नेचर जो है बहुत अस, हमारे असर रखती है जस्ट इज दैट जस्ट इज दैट इट टीच अस एवर लास्टिंग इंसाफ जो हमें ये सिखाती है ये परमानेंट uh, है एवर है ऑफ कोर्स बेशक मच कैन बी रिटर्न इन द इन दिस कॉन्टेक्स्ट यानी इस मौजू पर, पर बहुत कुछ लिखा जा सकता है एंड फॉर द सेक ऑफ स्टूडेंट्स नीड और तलब इलम की ज़रूरियत को की खातर वी हैव टू रेस्ट्रिक्ट हमने बहुत कम लिखा है यानी नेचर जो है इसके इसकी नेचर पर इसके असरा पर बहुत कुछ लिखा जा सकता है लेकिन हम स्टूडेंट्स uh, के को के लिए आसानी पैदा करने के लिए हम इसका ज़्यादा मेंशन नहीं करते हैं वेल uh, well, ये लाइनें लिखने की जरूरत नहीं है कि इसका कोई अच्छा एग्जामिनेशन या पेपरों में इस तरह की लाइनें जी हैं कोई अच्छा इफेक्ट नहीं रहती हैं अगर वो हमें गाइड करना चाह रही हैं तो इट कैन बी दैट ये लाइनें भी हैं लिखा जा सकता है हम स्टूडेंट की खाता नहीं लिख रहे हैं तो ये जो है ये तो पता लग रहा है कि जो लिखने वाला है वो स्टूडेंट नहीं है ठीक है तो जबकि हमने जो है बतौर स्टूडेंट अपने आप को पेश करना है तो ये लाइन आप ना ही लिखें तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा होगा इसके कोई अच्छे इफ़ेक्ट नहीं है ऑर्डिनरली मोस्ट ऑफ द पोएम्स दैट आर इंक्लूडेड इन कोर्स आर अबाउट जॉन कीट्स ज़्यादातर जो हैं जो शामिल की गई हैं नसाब में वो जॉन कीट्स से um, की ली गई हैं जॉन कीट्स डॉक्टर ऑफ लव कम्पैशन एंड ब्यूटी उसमें जोन किड्स का जो आइडिया है मोहब्बत के बारे में कम्पैशन यानी हम दर्दी के बारे में और ब्यूटी और खूबसूरती के बारे में किड्स का जो आइडिया है जो नज़रिया है उसको नहीं है ये इसमें ज़्यादातर दिखाया गया है ही इज़ ए ट्रू वर्शिपर ऑफ नेचर ब्यूटी हाँ जी किड्स हैं वो नेचर की ब्यूटी को वर्शिप करते हैं ये वैसे तो वर्ष वर्ष वर्शिप करता है लेकिन जो कीट्स हैं उससे मुतासर ज़्यादा है उसको ज़्यादा फील स्ट्रॉन्गली फील करता है ठीक है अब वो फीलिंग्स उदासी वाले भी हो सकते हैं वो फीलिंग खुशी वाले भी हो सकते हैं वर्ड्स वर्ड जो है वो हमेशा नेचर से हैप्पीनेस जो है वो ड्राइव करता है डिराइव करता है तो वो कहते हैं कि नेचर हमें खुशियों से आज़ाद करती है लेकिन ये नज़रिया कीट के साथ नहीं है कीट्स ज़रूरी नहीं कि नेचर की है, है जो है अच्छी ही बातें जो हैं वो पेश करे वो ये कहे कि नेचर जो है वो हमेशा ही अच्छी होती है खूबसूरत होती है वगैरह वगैरह था। लेकिन नेचर की जो है वो एक ट्रू जो पिक्चर है वो हमारे सामने रखता है His great उसके जो है जो खताबात हैं हाइपेरियन हाइपेरियन एंड एंडीमियन अलॉन्ग अबेद ला बेला ये एक फोम है आपने मैट्रिक में शायद हम नहीं है किसी जमाने में हुआ करती थी तो एक फोम ये ला बैल एक ख़तून है जो कि जिसमें कोई रैम नहीं है ठीक है तो ये उससे मतलब उसने लिखी गई है और इसमें बहुत फीलिंग्स हैं उसने जाहिर की हैं आर मेरे लिए मास्टर पीसिस ऑफ ग्रेट मैरिट इन एंडीमियन हीस एंडीमियन एक फोम उसने लिखी है मुझे याद नहीं पड़ता कि कही हमने पढ़ी है यह हमारे सिलेबस में शायद नहीं है अ दी ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर वो कहते हैं डीम है कि खूबसूरती जो है वो एक परमानेंट खुशी है ठीक है जबकि वर्ड्स वर्थ क्या कहते हैं कि नेचर जो है वो परमानेंट खुशी है इनोसेंस दो नहीं है वो परमानेंट खुशी है तो कीट से यह कहते हैं कि जो ब्यूटी है वो परमानेंट जो है खुशी का बायस है तो एक जगह पे वो बताता है ट्रूथ ब्यूटी ब्यूटी ट्रूथ इज ऑल यू नीड टू नो ऑन आर्थ यानी खूबसूरती जो है वो सच्चाई है सच्चाई खूबसूरती होती है तो ये जो है जो उसका जो आइडिया है अबाउट यानी जिस चीज़ से हमें फैमिलियर होना चाहिए और वो कहता है कि ये हमारे लिए यानी परेशानियों से हमें निजात दिलाती है यानी yani, इंसान का सच्चा होना और ये है और सच्चाई ही खूबसूरती है आई थिंक ब्यूटी इज अवर इट्स इन क्रीजे इट विल ठीक है तो जो थिंग जो खूबसूरत चीज़ें हैं इनकी जो खूबसूरती में इजाफा ही होता जा, जाता है हो सकता है ये खुद अपुद से साइज में बड़े खूबसूरत सब्जेक्ट हैं वो साइज में ना बड़, बड़े होते हों लेकिन वो कहते हैं कि इनका इम्पेक्ट जो है इनके असरा जो हैं वो हमेशा स्ट्रॉन्ग होते जाते हैं पास इन टू नथिंग ने इट विलूटी है वो कभी भी खत्म नहीं होती है हाँ तो ब्यूटी जो है वो कभी ख़त्म नहीं होगी तो so, इसके असरा जो हैं बहुत स्ट्रॉग होते हैं अगेन इन दोइम दोबारा जी हैं पोइम में An Ode to the ये एक मरतबान था जिस पर तस्वीरें बनी हुई थी और उस मरतबान से वो ख़ताब करते हुए कहता है अब ये वर्तमान जो है यानी एक बड़ा वर्तमान होगा कोई पीस ऑफ पोट्री है तो डेकोरेशन के लिए ये मकसद जो है वो रखे जाते हैं पार्क वगैरह में ग्रीक पीपल जो है वो बनाते थे और उन पर जो है वो तस्वीरें बनी हुई थी तो ये जो है ये सराई टाइप जो है जैसे हमारे इधर जी हैं बैरियटोन में सराई चौक में सराइया पड़ी हुई हैं इस तरह का कोई ऑब्जेक्ट है बड़ा ठीक है तो वो जो है उस पर तस्वीरें बनी हुई हैं तो बर्ड्स वर्ष ये नहीं है ये इस तरह की सराहियाँ जैसे हमारे सराई चौक में ये लगी हुई हैं ये एक कॉमन सा पोट्री पोटरी है पोइट्री नहीं कहना रहा यानी बर्तन है जो कि ग्रीक कल्चर में हमें अक्सर नहीं है वो हमें मिलता है तो इसमें जो है वो इस एक मर्तबान को इसी तरह से नमाक बर्तन को देखते हैं जो के बड़ा साइज होता है और उस पर कुछ जो है पिक्चर्स जो है वो बनी हुई हैं वो एक ये है कि खूबसूरत लड़की के पीछे एक लड़का जो है वो भागा भाग रहा, रहा है उसको पकड़ने की कोशिश कर रहा है वो आगे बागे जा रही है तो ये तस्वीर जो है वो उसमें देखता है तो वो उसको देख के एड्रेस करते हुए कहता, कहता है कि ये जो है वो कहता है कि क्या पागल पा रहे कि वो उसके पीछे भागता जा रहा है भागने की क्या जरूरत है उसको उसको अपने आप को कम अज़ कम इस बात से कंसोल कर लेना चाहिए कि Uh, उसकी जो जो लड़की जो भाग रही है उसकी खूबसूरती में कभी कमी नहीं आएगी क्योंकि वो बूढ़ी नहीं होगी तो उसमें जो है वो एक तो पिक्चर है ठीक है वो बनी हुई है डिपिक्टेड है उस पर जो है टाइम के असर नहीं होंगे वो इसी तरह से फ्रेश रहेगी खूबसूरत रहेगी और साथ ये भी बताता है कि उसकी इम्पोर्टेंस इसी तरह से रहेगी कि नौजवान जो है वो हमेशा उसको चेज करता रहेगा प्रैक्टिकल लाइफ में ये होता है कि इंसान जो है आज कुछ होता है कल कुछ होता है ठीक है हमेशा उसकी स्ट्रगल एक जैसी नहीं होती है तो इसी तरह से खूबसूरती हमेशा एक जैसी नहीं होती है वो फेड भी हो जाती है जैसे जैसे इंसान अपनी एज में एडवांस होता है तो वो तो इस मामले वो कहता है कि जो ग्रेस है ये सुपीरियर है इस पे जो तस्वीरें बनी हुई हैं वो हमारी जो एक्चुअल लाइफ से बेहतर है क्योंकि इनको जवाल नहीं है जबकि हमारे जो हैं जो कुछ हम करते हैं वो सब को जवाल है तो इस तरह से ये एक अजीब सा फलसफा जो है वो पेश करता है और बात कुछ कन्विंसिंग भी है अगेन इन द पोएम लेकिन ये कि हर चीज़ जो है वो परमानेंट होती है ये बात गलत है इस मरतबा ने भी आखिर एक दिन टूट ही जाना है इसके भी रंग छंग खराब हो ही जाने अगेन इन द दोइ एंड ही ट्रूथ ये मैंने आपको पेम का कुछ खुलासा बता दिया तो so, ब्यूटी जैसे मैं पहले बता रहा था ब्यूटी दैट इज ऑल यू नो ऑन अर्थ एंड ऑल नो यानी खूबसूरती है वो सच्चाई है सच्चाई खूबसूरती है और यही एक हकीकत है और यही इसी को जानने की इंसान को जरूरत है जोन कीट्स लव्स कीट्स लव ऑफ नेचर एंड हिज आइडिया अबाउट इट्स इट्सनेस इज एविडेंट फ्राम हिज पोए इसकी किड्स का जो है उसका ये उस नेचर से मोहब्बत का जो आइडिया है वो हमें इसकी पोएम्स में वाजा दिखाई देता है सेंसनेस आई थिंक रिलेटिंग टू फीलिंग सेंसेस सी एन होश हवास ये नहीं वही ही, उसके फीलिंग से रिलेटेड है तो एविडेंट वाज है इन इन ही पोएम उसकी पोएम में वाज तौर पर देखा जा सकता है ही परसीव्स दी ये पोएम्स होना चाहिए उसके नजमों में वाजे तौर पर देखा जाता है ही परसीव्स परसीव होता है समझता है द डेप्थ ऑफ नेचर ब्यूटी ब्यूटी की हकीकत को जो है नेचर उसकी असलियत को वो समझता है uh, परसीब दी डेप्थ गहराई जो है यानी ब्यूटी की हकीकत की जो गहराई है इसको समझता है या बयान करता है थ्रू ही डीपर सेंस अपने गहरे एहसास की मदद से फार दैन मोर मोर दैन मोस्ट ऑफ अर्स कैन डू मतलब ये है पोइट्स के फीलिंग जो हैं टाट्स तो नेचर जो हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग है और इसकी वजह से उसके जो है उसके फीलिंग का एक्सप्रेशन जो है वो भी बहुत स्ट्रॉग है हिंदी पोम इस नजम में सोनेट ऑन दी ग्रॉस ऑफ एंड क्रिकेट जिसमें हिंदी पोईम एक नजम जिसमें ग्रॉस ऑफ प्रो क्रिकेट के बारे में बयान किया गया है पोइट्री ऑफ द अर्थ इज नैड यानी दुनिया से जो म्यूजिक ऑफ लाइफ वो कभी ख़त्म नहीं होता है the, pictorial before बिफोर द रीडर्स विजन इन poem इस नजम में जो तस्वीर मंज़र कशी की जो सलाहियत है कशी नहीं कहना चाहिए तस्वीर कशी की जो सलाहियत है इसकी किड्स की वो बहुत ज़्यादा तौर तो पर वादे तौर तो पर देखी जा सकती है इन डे इन ड्रेरी नाइट दिसंबर एक और नज़म दिया है जो हमने सिलेबस में है यानी एक ड्रेरी नाइट ऑफ दिसंबर फ्रोजन क्रिस्टल फ्रेटिंग अब ये जो है इसे अगर बर्स वर्थ, वर्थ होता तो कभी ड्रेरी दिसंबर ना लिखता ठीक है उदास तो करने वाला जो है ये दिसंबर जबकि नेचुरल ऑब्जेक्ट्स हैं ने वो उसको हमेशा वो है। जो है वो खुशी देते हैं जो किड्स ने इसको दिसंबर को बयान किया है कि ये जो है रोक के रखता है और ऐसी सूरत में फ्रोजन है आ, क्रिस्टल फ्रेटिंग आ, क्रिस्टल होते हैं यानी जमी हुई कोई चीज़ जो हैं जिसको कोई चीज़ जम जाती है फिर हम उसको तोड़ते हैं तो उसके वो क्रिस्टल बन जाते हैं चीनी के दाने जैसे होते हैं वो उनको क्रिस्टल होते हैं या नमक के दाने जैसे तो वो क्रिस्टल होते हैं तो ये जो है वो क्रिस्टल लाइन जो है फ्रोजन जब ये बर्फ़ जो है वो जम जाती हैं तो उसकी वो क्रिस्टल्स बन जाती हैं फ्रेटिंग बिखर जाती हैं यानी पाँव के नीचे से आके बट पुट अप पिक्चर्स बिफोर आपने हमारे सामने एक खूबसूरत तस्वीर जो है वो वाज खूबसूरत तो नहीं कहेंगे वाज तस्वीर हमारे सामने पेश करती है वे बहुत हद तक ये जो डिस्क्रिप्शन है क्रिस्टल्स की ये बहुत हद तक वैसी ही है जैसे कि रोबर्ट फ्रॉस्ट जो है इनको मेंशन करता है इस सर्दी को कोल्डनेस को चिलिंग इफेक्ट्स जो है कोल्ड का जो है और वो डेट इज़ वेरी मच रिलेटिंग टू डेथ जो है वो यानी सैडनेस uh, से रिलेटेड है डेथ से रिलेटेड है तो म्यूजिक अ कंसोनेंस अलोंग कंसोनेंस है ये आवाजों से متعلق है इसको देखते हैं सही मीनिंग क्या है कंसोनेंस नेंस मुताबक कॉन्सनेंस अच्छा जी ये जो है मुताबकत जो है अलॉन्ग द क्वालिटी ऑफ हेलनिज्म कैन नॉट बी प्रॉपरली पुट इन टू वर्ड्स ये जो हेलेनिज्म और म्यूज़िकल कॉन्सनेंस हैं मताबकत दे हैं है, इसको अल्फाज में बयान नहीं किया जा सकता है दी पोएम इस नज़म में ये क्वालिटी ऑफ कॉन्सनेंस और मताबकत दे हैं म्यूज़िकल जे हैं मसीकाना मताबकत दे हैं uh, है, इसको हेलनिज़म की क्वालिटी के साथ जो है अल्फाज में बयान नहीं किया जा सकता मतलब उसका ये है कि उसने जो मंजरकशी के जो पिक्टोरियल इफेक्ट दिए दिया, दिया है जो तस्वीर वो हमारे सामने वो पेंट करता है और साथ जो आवाज़ें ऐड करता है तो वो जो है ये बेमिसाल है इस इस है इसकी इस सलाहियत को पोइट की जाए उसको हम अपने अल्फाज में बयान नहीं कर सकते टू फैंसी एक और पोम है जिसमें ये कहते हैं द वेलिंग ऑफ डट आइड सीरिस डॉटर ये जो है अंडरसट आई टंडरसट क्या है डी यू एल सी ई टी खबीदा होगा अंडरसट सरीला सरीली खबीदा यह सही है अच्छा जी तो दरसत आइड सीरीस सीरीस ने है एक मैंने आपको देवी की तरफ हो जो इशारा करता है सीरीस डॉटर सीरीस डॉटर की जो खबीदा uh, मदोश करने वाली जो आंखें हैं एंड जोस और जो जो है बिकमिंग लैंग्वेज़ इज वन ऑफ द इंसनल लैंग्वेज जो है मेरे ख्याल में उसकी जो है शहर में मुबतला हो जाता है लैंग्वेज

खामोश भी मेरे ख्याल में समुंदर हा कोई हिस्सा होता है लेट्स मी लेट मी सी को सी ओ वी ई कोब क्या भाई हद हो गई है जी इसके मीनिंग तो उर्दू में भी नहीं है ठीक है इंग्लिश में देखते हैं खाड़ी ठीक है आ, इसका मतलब है खाड़ी आ, को मीनिंग इन उर्दू खाड़ी भाई अब ये खाड़ी क्या होती है ये भी कोई ऐसा कोई ऐसी वादी का शायद कोई हिस्सा है जिसमें खामोशी होती है वही फील कोयटनेस ऑफ कोव्स सिंगिंग ऑफ हैथ्स एंड द फ्लोइंग्रुक्स हैथ भी राना होता है वहाँ पर जो आवाज़ें हैं यूँ लगता है जैसे वो गुन गुना की आवाज़ें हैं एंड फ्लोइंग ब्रुक्स और बहते चश्मों की जो आवाज़ें हैं इन दी पोइम हम ये सारी चीज़ें हम महसूस कर सकते हैं एन क्या महसूस कर सकते हैं कोटनेस ऑफ कोव सिंगिंग ऑफ हैथ एंड द फ्लोइंग Brooks, हम ये सारी चीजें महसूस कर सकते हैं इस पोईम में जो फैंसी है मुतजस जमीन है that जो के, अपने आप को जो है बरोस बरत है यानी जमीन में सुराख कर लेना लाइक अ मोल हमारा जमीन जो है का, जी, जी देन फिर जो है क्यूरियस कॉन्शियंस दैट डेट लाइक अ मोल इन डार्कनेस अंधेरे में जो है, है जमीन खुराक को uh, उसरा करके उसके लिए अंदर घुस जाता है द की दैट कैन ये एक बुनियादी चीज़ है या चाबी है जो के खोल सकती है आई थिंक Uh, that can open the casket. ये खोल सकती है, को, सोल उसकी का जो है उसको अनलॉक कर सकती है एंड ब्यूटीफुल एग्जाम्पल ऑफ ऑफ दिस पोएम्स ये उसकी खूब पोएम जो खूबसूरत जो नज्म हैं उनमें से एक है देर इज एम्पल ब्यूटी प्रेजेंट इन ऑल द पोए किट्स की जो सारी पोइम्स हैं वो सारा अब ये जो लिखा गया है ये क्वेश्चन एक्चुअली बहुत टैक्टिकल तरीके से ये बनाया गया है और इसमें स्टूडेंट्स के लिए डिफ़िकल्टी क्रिएट की गई है आपको किड्स की जो जो पोएम्स हैं वो याद पढ़े इसकी कोई कहानी याद पढ़े आप उसको अपनी इस क्वेश्चन में वो मेंशन करें और जो कुछ आप फील करते हैं जिस वजह से वो आपको अच्छी लगी लगती हैं उस पे साथ साथ कमेंट्स देते जाएं जैसे ये चीज़ें हैं ये मंजरकशी बड़ी खूबसूरत है इसमें हमें आवाज़ों की Uh, वो इफ़ेक्ट नहीं है वो सुनाई देते हैं अभी मंदर कशी किसी एक पिक्चर में नहीं है पोएम में नहीं है काफ़ी सारी डिफरेंट पोइम्स बल्कि सारी पोएम्स में ही है तो जो जो आपको याद पड़े वो वो आप लिख दें और उसके ऊपर जो है वो मैंशन कर दें इसमें हो सकता है कुछ ऐसी पोएम्स भी मैंशन की गई जो हमने नहीं पढ़ी हैं एक नई वीडियो बनाता हूँ अगले क्वेश्चन के लिए